हाय फ्रेंड्स, माइंड प्रोग्रामिंग विद संदीप में आप सबका स्वागत है। हम लोग रोज़ मिल रहे हैं और अलग अलग वीडियोस देख रहे हैं। आज से 5 दिनों तक मैं आपको कुछ अलग विषय पर विषय दिखाने वाला हूं। अलग विषय पर हम चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। ये विषय हमारी प्राचीन सभ्यता से, प्राचीन हमारी जो गुरु परंपरा है उससे जुड़ा हुआ है। मैं आपको ऐसे 5 एंशियंट टेक्निक्स बताने वाला हूँ। By using these techniques, you can program your subconscious mind, which will definitely help you to achieve your goal in your life. ये जो 5 प्राचीन टेक्निक्स है, इससे हम अपना जो सबकॉन्शियस माइंड है उसे प्रोग्राम कर सकते हैं जैसे चाहिए वैसे। और हाँ, आप अपने किसी भी गोल तक उसके बलबूते पर पहुँच सकते हैं। फ्रेंड्स, आज हम उसमें से एक पहला टेक्निक लेंगे जिसका नाम है फेथ। जी हाँ, श्रद्धा या आस्था। और रोज़ मैं एक एक टेक्निक पे बोलता जाऊँगा, आप वो बराबर सुनिए एंड अप्लाई दैट टेक्निक इन योर लाइफ। तो चलिए शुरुआत करते फ्रेंड्स। ये जो फेथ है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गुरु शिष्य परंपरा जो थी प्राचीन भारत में, उसमें ये फेथ बहुत इम्पॉर्टेंट समझा जाता था। क्योंकि जो शिष्य थे उनका पूरा भरोसा, 100% भरोसा अपने गुरु पर होता था। जैसे गुरु बोलेंगे वैसा वैसे वो शिष्य करते थे। और जो फेथ, जो श्रद्धा, उनमें जो बिलीफ उनमें जो पैदा होता था, ओके, और उस पे आधारित 12 सालों तक वो शिष्य उनके पास रहता था। तो 12 सालों में उन शिष्यों में एक फेथ जो है वो डेवलप होता था या बिल्ड होता था। और इससे क्या होता था कि वो जो सारे शिष्य थे उनमें एक गहरी ऐसे एक बिलीफ सिस्टम तैयार होते थे। और जो लॉजिकल माइंड जो अपना होता है उसको बाईपास करके डायरेक्टली जो भी गुरु उनके कहते थे वो डायरेक्टली उनके सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता था। और उसका बहुत अच्छा लाभ उन्हें होता था। इसके लिए हम लोगों ने बहुत सारे उदाहरण देखे कि प्राचीन भारत में कौन सी भी चीज़, कौन सा भी साध्य अगर करना है तो वो आराम से कर सकते थे। लेकिन आज के ज़माने में ये पॉसिबल नहीं है, जो हमने देखा है फ्रेंड्स। श्रद्धा बहुत इम्पॉर्टेंट है। श्रद्धा, ये अगर वर्ड देखेंगे तो ये 2 शब्दों से बना है, श्रत अधिक धा। श्रत यानी सत्य और धा यानी धारणा करना। सत्य की धारणा यानी श्रद्धा। सत्य क्या है? सो योर सत्य इज नथिंग बट योर सबकॉन्शियस माइंड। तो अगर सबकॉन्शियस माइंड को आप धारण करते हो, अगर वहाँ पर आप पहुँच जाते हो, तो आपको अंतिम सत्य मिल सकता है। और ये मालूम था हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों को, और उसकी संथा वो हम अपने शिष्य को देते थे, और बहुत सारे बेहतरीन शिष्य उस वक्त निर्माण होते थे। फ्रेंड्स, एक बात ध्यान में रखिए, उस वक्त गुरु आज्ञा पालन जो था, गुरु की जो आज्ञा होती थी उसका पालन किया जाता था, और उसको बड़ा महत्व था। यानी जब शिष्य किसी भी गुरु की आज्ञा का पालन करता था तो एक ट्रांस में चला जाता था। वो लॉजिकल माइंड से नहीं सोचता था कि अरे ये इन्होंने क्यों कहा है, मैं ऐसा करूँगा तो क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं। उन्होंने गुरु ने बोला है ना, गुरु की आज्ञा है ना, तो उसका 100% पालन होता था। और इसका लाभ उस शिष्य को मिलता था। हमने बहुत उसके उदाहरण सुने हैं। मैं बहुत प्राचीन भारत की बात नहीं करूँगा, अभी 100, 120 साल के पहले की बात करेंगे। आपको मालूम है स्वामी विवेकानंद और श्री रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु थे, उनका एक उदाहरण है जो उन्होंने हमें दिया है स्वामी विवेकानंद ने, कि वो कितना आज्ञा पालन करते थे रामकृष्ण परमहंस जी का। और उस आज्ञा पालन का नतीजा हम सब पूरे वर्ल्ड ने देखा है, पूरे जग को उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया। फ्रेंड्स, कितनी शक्ति होगी फेथ में। यदि ऐसा फेथ हम अभी हमारे स्टूडेंट्स में ला सके तो हमें कुछ अलग देखने को मिलेगा। वी कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। लेकिन आज ऐसा देखने को मिलता है? आंसर है, नहीं मिलता है। इसके बराबर उल्टा देखने को मिलता है। क्यों? इसका पहला कारण है पेरेंट्स। मैंने हमेशा ऐसा देखा है मेरे करियर में कि जो पेरेंट्स होते हैं वो हमेशा टीचर के बारे में अच्छा नहीं बोलते, टीचर को रिस्पेक्ट नहीं देते। या बहुत बार ऐसा मैंने देखा कि पेरेंट्स से टीचर को धमकाते हैं,
मेरे लड़के को हाथ मत लगाओ, उसको कुछ करो मत, मैं देखूंगा, उसको कुछ ये मत बोलो, वो मत बोलो, इससे क्या होता है, जो बच्चों के मन में टीचर के प्रति जो फेथ होनी चाहिए, जो श्रद्धा होनी चाहिए, वो निर्माण होती ही नहीं है। और यदि अगर ये फेथ डेवलप नहीं होगी तो इसका परिणाम बच्चों पे होता है, टीचर से आने वाली जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो स्टूडेंट्स के सबकॉन्शियस माइंड में जाती ही नहीं है, और इसके लिए जो शिक्षा है ये अधूरी रह जाती है। इससे टीचर स्टूडेंट का जो इंटरेक्शन है, मन मिलाप है, वो होता ही नहीं है। और जैसे हमारे स्टूडेंट्स बाहर निकलते हैं स्कूलों से या कॉलेजों से, उन्हें पता चलता है कि अरे मेरी शिक्षा आधी हो गई है, ये मुझे मालूम नहीं, वो मुझे मालूम नहीं, वो मुझे मालूम नहीं, मैथ्स मुझे आता नहीं है, साइंस मुझे याद रहता नहीं है, मेरे को कुछ किसी भी लैंग्वेज का बराबर नॉलेज नहीं है, इंग्लिश मुझे बोलनी नहीं आती, हिंदी मुझे समझती नहीं है, और मेरी मातृभाषा मुझे लिखनी नहीं आती, और जो सोशल साइंस है वो मुझे याद नहीं रखता, तो क्या आता है? क्योंकि उसका जो मूल है, उसका जो रूट कॉज है, वो वहीं पर है कि शिक्षकों के ऊपर, जो टीचर्स हैं उनके, यदि कॉलेज के होंगे या स्कूल के होंगे, उनके ऊपर पूरी श्रद्धा, पूरा फेथ जो है वो तैयार नहीं होता, बिल्ड नहीं होता। इसके लिए हाथ जोड़ के मेरी विनती है, गुजारिश है सारे पेरेंट्स से कि टेल योर चिल्ड्रन कि यू दे मस्ट हैव फुल बिलीफ इन देयर टीचर्स। तुम्हारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं, तुम्हारे टीचर बहुत नॉलेजेबल है, दे हैव लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ऐसे उनके बोलते रहो, क्योंकि उनका बहुत असर आपके बच्चों पे होने वाला है। आप कंट्रोवर्सी मत करो टीचर्स के साथ, उसका परिणाम जो है वो आपके बच्चों में आपको देखने को मिलेगा 10-20 साल के बाद। क्या आपको मंजूर है? यदि मंजूर है तो आप करिए। सेकेंडली, टीचर्स के बारे में हमेशा पॉजिटिव बोलते रहिए, उन्हें बोलिए यस योर टीचर्स आर आइडियल, उनके भी कुछ परेशानी है, इसके लिए वो कुछ प्रॉब्लम्स हुए होंगे, लेकिन दे आर आइडियल, वो अच्छे इंसान हैं, फॉलो देम। तो जैसे ये उनमें फेथ बिल्ट होता जाएगा, वो प्राइमरी स्कूल में होगा, सेकेंडरी में होगा, बाद में कॉलेज में होगा, बाद में कुछ वो अच्छी पढ़ाई करेंगे या इंडिया में करेंगे या आउट ऑफ इंडिया करेंगे, वो एक बार फेथ बिलीफ हो गया तो आप देखिए वो बहुत ही बेहतरीन शिक्षा हासिल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ध्यान में रखिए, उनका सर्वांगीण विकास बच्चों का अगर हमें चाहिए तो ये फेथ बिल्ट होना बहुत ज़रूरी है। मैं कुछ बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, हम ये फेथ हमेशा बहुत जगह पर रखते हैं। हमारे डॉक्टर्स रहते हैं, वो हमें मेडिसिन दवाई लिख कर देते, क्या करते हैं हम लोग, उनको पूछते हैं क्या दवाई में क्या है, कौन से केमिकल है, कौन से ड्रग्स है, हम लोग नहीं पूछते। हमारा फेथ है हमारे डॉक्टर के ऊपर, हम वो दवाई ले लेते हैं, उसके पीछे हम लोग कुछ लॉजिक अपना चलाते नहीं है, बराबर है कि? या समझो, डॉक्टर्स भी जब कोई पेशेंट आईसीयू में हम रखते हैं तो डॉक्टर क्या बोलते हैं, भगवान पे भरोसा करो, मीन्स कीप योर फेथ इन गॉड, और वो गॉड का जो फेथ है वही वहाँ पर काम करता है। इसके लिए फेथ का बहुत बड़ा महत्व है हमारे लाइफ में, ध्यान में रखिए, वो दिखता नहीं है, इसके लिए हम उसके ऊपर भरोसा रखते नहीं हैं, लेकिन हमें कहीं पर तो फेथ रखना चाहिए। अगर हम लोग ये फेथ रखेंगे तो फ्रेंड्स ध्यान में रखिए, अपना जो लाइफ है वो बहुत बेहतरीन हो जाएगा, और इससे अपना सोशल माइंड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम होगा, और अगर वो प्रोग्राम होता जाएगा तो जैसे हम ट्रांस में चले जाएंगे, सो वी कैन अचीव लॉट ऑफ थिंग्स फॉर आवर लाइफ, ध्यान में रखिए। इससे आपके रिलेशंस बेहतरीन बनेंगे, अगर यदि आप अच्छी शिक्षा लोगे तो आपका करियर बेहतरीन हो जाएगा, आपकी लाइफ अच्छा हो जाएगी, आपका अच्छा पैसा आएगा, सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएंगी। सो कीप योर फेथ, इट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। फ्रेंड्स, कल हम लोग फिर से मिलने वाले हैं, और कल हम लोग दूसरी टेक्निक के बारे में बोलने वाले हैं जिसका नाम है रिचुअल्स। जी हाँ, जो विधि, जो कर्मकांड वहाँ पर तब किया जाता था, उसके बारे में हम लोग कल चर्चा करेंगे। तब के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।